एफटी न्यूज में। चलिए शुरुआत करते हैं कुछ बड़ी खबरों से। हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। विद्युत कर्मचारी संघ समिति द्वारा निजीकरण के विरोध में प्रदेश भर में चलाए जा रहे आंदोलन की कड़ी में आज फैजाबाद में कर्मचारियों के चल रहे धरने को समर्थन देने के लिए प्रदेश महासचिव कामरेड सत्यभान सिंह जनवादी पहुंचे और आंदोलन का समर्थन किया। धरने को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार निजीकरण करके जनता के साथ धोखा कर रही है, सरकारी कल कारखाने को बेच रही है। 2014 से आज तक एक भी नए कारखाने नहीं लगाई और सब बेच दे रहे। बीएसएनएल, बीमा, बिजली, रेलवे, हवाई जहाज सब बेच दे रही हैं। यह सरकार आज जनता के साथ धोखा कर रही है। आज मजदूरों, नौजवानों की अनदेखी करके ज़्यादा दिन तक सत्ता में नहीं रह सकती झूठी और लुटेरी सरकार। इस सरकार को, मजदूरों को आंदोलन तबाह कर देगा। आज पूरे देश में कर्मचारियों को एकजुट होकर जन विरोध सरकार के खिलाफ मुकम्मल व सशक्त आंदोलन खड़ा करके उखाड़ फेंकना होगा। एसडीओ पंकज तिवारी ने कहा कि निजीकरण कर्मचारियों के लिए घातक है क्योंकि इसके लागू होने से सारे काम प्राइवेट कंपनियां देखने लगेंगी, जिससे कंपनी जब चाहेगी जिसको चाहेगा उसको नौकरी से बाहर कर सकती। इसलिए इस निजीकरण को रोकना चाहिए और आज पूरे प्रदेश में विद्युत कर्मचारी निजीकरण को लेकर धरने पर बैठे हैं और अपनी मांगों को लेकर प्रदेश सरकार से वार्ता करेंगे। ट्राइफर्केशन और प्राइवेटाइजेशन के विरोध में हमारा एक कार्यक्रम चल रहा है, पूरे प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में। आज देश के 15 लाख विद्युत कर्मी धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं पूरे देश में। ये लगभग एक माह से जन जागरण हमारा अभियान चल रहा था और अभी पिछले 4-5 दिन से 2 बजे से 5 बजे का कार्य बहिष्कार चला और विरोध सभाएँ होती रही। आज सुबह 10 बजे से संपूर्ण कार्य बहिष्कार और विरोध सभाएं बराबर चलती रहेंगी जब तक ये प्राइवेटाइजेशन का स्टेप गवर्नमेंट रोकती नहीं है। है कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का सरकार द्वारा प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, जिसका हम पुरजोर विरोध कर रहे हैं और अभी अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार आज 10 बजे से स्टार्ट हो गया है। हमारा कोई भी कर्मचारी कोई भी काम नहीं करेगा। पूरे लोकतांत्रिक ढंग से, न्यायपूर्ण ढंग से हम अपना विरोध प्रदर्शन एक जगह बैठ कर करेंगे जब तक सरकार हमारी ये मांग नहीं लेती है कि हम